दिल्ली से बात कर रहा था ना सर। बोलिए बोलिए। एक्चुअली एक लोन ऐप था रुपे पॉकेट करके, तो सर उससे मैंने लोन ले लिया था 3500 रुपए का, एक ही बार लिया था, अभी हाल ही में लिया सर, एक हफ्ते हुए। तो सर वो लोग अभी कांटेक्ट लिस्ट पे कॉल करके और मुझको मैसेज करके परेशान कर रहे हैं सर, से इसको कुछ सलूशन देंगे। तो कितना आपके आपके अकाउंट में पैसा आया था? 2275 रुपए आए थे, लेकिन अब वो लोग हाँ, 3500 रुपए वापस मांग रहे हैं सर। नहीं तो फ्रॉड एप्लीकेशन है, समझ गए? हाँ हाँ सर, फ्रॉड एप्लीकेशन मैंने देखा, गूगल पे सर्च करके वो फ्रॉड एप्लीकेशन दिखा रहा है सर। बस इससे इसका सलूशन दीजिए, कैसे मतलब कंट्रोल देखिए, करें इसका तो इसको। मेन बात है कि 1 महीना तक आपको कॉल मैसेज क्यों इग्नोर करना पड़ेगा। हाँ ओके, हाँ, उसके बाद आप स्टोरी लगा दीजिए कि हमारे जो मोबाइल है उसको किसी हैकर ने हैक कर लिया, यदि आप पर कोई गलत मैसेज आता है तो प्लीज आप लोग रिस्पॉन्स उसको ना दे, क्योंकि मान लीजिए किसी कॉन्टेक्ट पर कुछ भी भेज दे रहा है तो आप पहले ही से स्टोरी लगाकर सबको साझा कर देंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने कल लगा दिया था सर, लेकिन आज फिर भी लगा दिया, 2 दिन लगातार लगा दिया। देखिए, केवल इसी का नहीं है, बाकी ये भी एनबीएफसी एप्लीकेशन है, सेम यही रूल फॉलो करते हैं। एनबीएफसी एप्लीकेशन से लिए हैं कि नहीं लिए आज तक? एम पॉकेट से लिया हुआ है सर। हाँ, तो इसका भी यही है। यदि इसका नहीं रिपेमेंट करते तो केवल आपका हाँ, लीगल लीगल एक्शन तो कुछ नहीं लेता है, समझ गए? आपका हाँ सिविल स्कोर खराब करेगा, सिविल पर लोन दिया है तो आपका सिविल स्कोर खराब करेगा बाकी कोई लीगल एक्शन ना, वगैरह लीगल एक्शन तो नहीं नहीं होगा। लेगा ना आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट हैक करेगा, हैक करने के बाद उस पर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, कॉल लगाएगा, यही सब करेगा। सर। हाँ, मतलब इस कॉल को सारे इग्नोर करना है बस। बस आप कॉल को इग्नोर कीजिए, समझ गए हैं? बाकी कोई टेंशन लेने वाली यहाँ पर बात नहीं है। अच्छा ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ठीक है ठीक है ठीक सर, कोई और भी जानकारी चाहिए होगी तो मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगा, कोई ठीक है दिक्कत ठीक नहीं है। होगी ना। ना ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। है ठीक है। तो दोस्तों, ऐसे ही इंस्टाग्राम पर हम लोगों के साथ बात करते हैं और सारी जानकारी यहाँ पर लाइव प्रूफ देते हैं, ताकि आप सभी लोगों को कोई दिक्कत यहाँ पर ना हो सके। ये नहीं कि मतलब कि आपको लगे कि भाई ऐसा ही कोई बता रहा है, नहीं बता रहा है। तो इसीलिए हम बोलते हैं, किसी को भी प्रॉब्लम हो तो हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्टली कॉल पर जुड़ते हैं और बात विचार यहाँ से डायरेक्टली हो जाएगा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, और व्हाट्सएप चैनल पर जरूर आप लोग आ जाइएगा, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल पर रिकवरी एजेंट का जो भी कॉल रिकॉर्डिंग है, तो आप ही का यहाँ पर केस सुनने के लिए मिला और किसी का सुनने के लिए मिला। पहली बार हम सुने कि ऐसा वैसा कुछ हुआ। अब विश्वास भी, ऐसा ही अब हुआ बोल सर। रहे हैं तो विश्वास करना ही पड़ेगा ना। अब देखिए, हम ही पहले बोलते थे कि कॉन्टेक्ट लिस्ट नहीं हैक करता है, जब फ्रॉड एप्लीकेशन पर वीडियो बना रहे थे तो हैक कर लिया हमारा, समझ गए? हाँ, हम ही बोल रहे थे, समझ गए ना? लेकिन हमारा है, जैसे एप्लीकेशन हम मोबाइल के अंदर में डाले, सोचे कि वीडियो बनाया जाए कि एम पॉकेट से हम कितना लिए हैं, ट्रू बैलेंस है, जितना भी एनबीएफसी एप्लीकेशन है। आया था कमेंट कि एक बार सब एप्लीकेशन का दिखाइए आप कितना कितना लिए थे। लोगों को डाउट था कि हाँ शायद लिया है कि नहीं लिया है, तो हम उसी कारण वीडियो हम बनाए, सोचे कि बनाया जाए तो देखे कि चालू हो गया फोन करना कॉन्टेक्ट लिस्ट पर। तो हम बोले कि भाई कॉन्टेक्ट लिस्ट हैक कर रहा है, हैक करता है, तो लोग भी बोले कि हमारा भी हैक कर लिया, हमारा भी हैक कर लिया है। गैलरी का तो अभी तो तक हम इसमें सुने गलत नहीं। नंबर भी करता है सर जी, मैं बोल रहा हूँ ना, जो न्यू अकाउंट होंगे ना आप उनका देखिएगा। 6 महीने, 6 महीना के अंदर में, यही ना? हाँ, मेरा तो 6 महीने, वो भी मतलब अकाउंट में डिस्प्यूट डेट है 6 महीने, और मैंने 1 मंथ के लिया था, तो मान के चलिए 5 मंथ हुआ है ड्यू डेट। पूरा परमिशन मांग कर पूरा मोबाइल को हैक कर लिया, पूरा मोबाइल को बर्बाद कर दिया। अब आवाज देखिए, आवाज इसका, आवाज उठाना चाहिए लोगों को, समझ गए? आवाज जरूर जरूर, उठाकर मतलब कि क्या करना चाहिए, ट्विटर पर पोस्ट करना चाहिए, इंस्टाग्राम थ्रेड पर पोस्ट करना चाहिए और कंप्लेन भी दर्ज करवाना चाहिए कि ऐसा ऐसा सिस्टम हो गया है। ये सब साइबर के पास होता है सिस्टम, अब बताइए ये सबके पास कहाँ से चला गया, इसका मतलब मिला हुआ है सब।
हाँ जरूर मिला हुआ है। ये सरकारी कर्मचारी मिला हुआ है सब। अब पूरा रिसेट करना, मोबाइल का ये करना, तब पर भी मतलब कि फोन कर रहा है उस पर, नया सिम लगाने के बावजूद भी फोन कर दे रहा है बार बार, दोस्त का भी नंबर पर फोन कर दे रहा है। मतलब दोस्त के नंबर पे नहीं, अगर किसी दोस्त का नंबर, हाँ वही मान लीजिए दोस्त का सिम कार्ड हम निकाल कर अपने मोबाइल में डाले, जिस मोबाइल से लोन लिए थे, और वो सिम पर भी फोन कर दे रहा है जो नया सिम है। तो इसका मतलब यही ना कि आपका मोबाइल का जो नंबर होता है, जो पीछे लिखा रहता है, IMEI नंबर, हाँ वो जान गया है, वो जान गया, समझ गया, या हैक कर लिया है, ट्रैक कर रहा है, समझ गए, आपको ट्रैक कर रहा है। अब क्या कर रहा है वो तो भगवान ही जाने। हाँ तभी ना माल, आपका लोकेशन तो बता दे रहा है, ट्रैक कर रहा तभी ना। तब लोकेशन तो बता दे रहा है। हाँ आपका ट्रैक कर रहा है, आपको ट्रैक कर रहा है, हम समझ गए, आपका जान गया है। और जानने का रीजन ये है कि बैठा हुआ है सब, समझ गए ना, ये सरकारी कर्मचारी बैठा है सब, साइबर वाला, साइबर के पास ये सब होता है ना, साइबर के पास होता है, यही सब करवा रहा है सब। अब हमको डाउट हो गया, बताइए भी मिल गया सब ये सब के चक्कर में, बताइए। लोग इसी पर भरोसा करते थे कि हमारा फ्रॉड एप्लीकेशन फंस गए हैं, कंप्लेन करेंगे, अब ये भी यही सब मिलकर यही छुड़वाएंगे, सबको इन्हीं पे भरोसा था ना कि मतलब यही कुछ कर सकते हैं। अब बताइए कि सब, अब सब लोगों को भरोसा रहता है कि भाई पुलिस पुलिस में कंप्लेन करेंगे, लेकिन अब तो सबको भरोसा ये होता है ना कि पुलिस में कंप्लेन करेंगे तो कुछ करेगा नहीं। पुलिस तो वही है ना, जैसे देखे वो फॉरवर्ड करेगा साइबर क्राइम वालों को। हाँ फॉरवर्ड करेगी, चाहे पैसा वैसा लेकर शांत हो जाएगा। हाँ तो वो तो मतलब पुलिस का तो नियम ही है ना, वो तो खुद कुछ कर नहीं पाएगा, तो वो देंगे ना इनको साइबर क्राइम वाले को। हाँ तो मिल गया सब, समझ गए, इसी सब का हाथ है, साइबर वालों का हाथ है। अब ये कहाँ से ये सब कर रहा है, अब देखिए RBI को संकोच लेना चाहिए। अब इसका यही है ना, साइबरों में कंप्लेन कीजिएगा तो कोई फायदा वायदा है नहीं, नहीं कुछ नहीं, कहीं किसी के पास माल ये साइबर में कंप्लेन जाता होगा तो क्या पता डिलीट कर देता होगा सब, कि हमारे पास कंप्लेन आया ही नहीं है, या फिर इग्नोर कर देता होगा, बहुत सारे रीजन है ना उनके, इग्नोर कर देता है, चाहे जो मेन मेन इश्यू होता है, जो गंभीर, मान लीजिए आपका मामला तो बहुत ज्यादा गंभीर है, हैक करने का ये है, तो आप मान लीजिए मेल उल कीजिएगा तो आपका डिलीट कर देगा, ताकि कमेटी मान लीजिए बैठेगा, चाहे कुछ भी CBI का इंक्वायरी, ED बैठेंगे जांच करने के लिए इस पर, बोलेंगे कि मतलब टेक्निकल इशू था, आया हाँ हाँ आया ही नहीं है, चाहे कहाँ से हो रहा है, डिलीट हो गया, चाहे कुछ भी है, झाड़ लेगा सब अपना, जो भी है झाड़ लेगा सब। तो यही सब अंदर से करवा रहा है सब, समझ गया ना, अकाउंट आपका बेच दिया है, इसके पास आपका अकाउंट अब बेच दिया है। चलिए तो अब क्या कीजिएगा, आपको मोबाइल आपको बदलना पड़ेगा। हाँ करवा लूंगा सर। अब क्या कीजिएगा, आप ही पहली बार हम सुने ऐसा चीज। चलिए तब ठीक है, तब ठीक है सर, ठीक है ठीक है। तो दोस्तों इनका आपको बता देना चाहता हूं, मोबाइल इनका मतलब कि हैक कर लिया सब, ये M-Pocket से 6 महीना पहले ये लोन लिए थे 10,000 का, बढ़ाकर तो आपको पता ही है कितना, एक एक दिन में 200-200 रुपया ड्यूज लगाता है सब, तो बढ़ाकर मतलब कि काफी ड्यूज लगा दिया सब, और नहीं रिपेमेंट कारण इनका जो मोबाइल है, मोबाइल इनका हैक कर लिया सब। अब हो क्या रहा है, मान लीजिए ये मोबाइल है, मोबाइल को हैक कर लिया सब, तो हम इनको बोले, कल हम इनको बोले कि आप मोबाइल को रिसेट मार दीजिए, जितना भी आपका मोबाइल में डाटा है, जितना भी आपके मोबाइल में गैलरी में फोटो है, फाइल में जो भी कुछ है, आप सब रिसेट आप मार दीजिए। तो सब ये रिसेट मार दिए, हमारे कहने पर सब रिसेट मार दिए। तो आज इनसे बात विचार यहाँ पर हुई, तो बोले कि रिसेट मारने के बाद भी हम क्या किए, मान लीजिए वो तो सिम नहीं है, जिस सिम से रजिस्टर किए वो सिम हम नहीं लगाए, हालांकि अपने दोस्त का सिम इसमें लगाएं, नया बाजार से हम सिम खरीद कर लगाएं, तो उस सिम पर भी फोन करना स्टार्ट कर दिया, जैसे उस मोबाइल से सिम निकाल कर लगा रहे उसमें तो नहीं आ रहा है फोन, केवल इसमें लगा रहे हैं किसका भी सिम,
आपका भी सिम इसमें लगा रहे हैं तो फोन आ जा रहा है, दोस्त का भी मांग कर सिम लगा रहे हैं तो इसमें फोन आ जा रहा है, नया भी सिम बाजार से खरीद कर इसमें लगा रहे हैं तो आ जा रहा है फोन, जियो का हो, एयरटेल का है, वी आई का हो, कोई भी सिम हो, फोन आ जा रहा है। इसका मतलब क्या है? आपका मोबाइल हैक कर लिया सर, आपका जो मोबाइल है ये पूरा हैक कर लिया सर। हैक का रीजन आपको पता है? आपका अकाउंट बेच दिया है किसी थर्ड पार्टी वालों को, और थर्ड पार्टी वालों बेच दिया है, अंदर का लड़का है होगा, अंदर का कोई होगा सरकारी कर्मचारी। अब मोबाइल जो इसके अंदर जो नंबर लिखा रहता है डिजिट, तो इसी डिजिट से पता क्रिमिनल को किया जाता है कि कहां पर है, कहां पर भाग रहा है, कैसे पकड़ा जाए, ट्रैक करने के काम करता है। तो इनका लोकेशन ही बता दे रहा है कि आप यहां पर बैठे हैं, नहीं दीजिएगा तो हम आ रहे हैं उसी लोकेशन पर। बाजार में भी जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि आप इस मार्केट में हैं, कहीं भी जा रहे हैं तो आप सुने हैं। पर बात हम पहली बार ये सुन रहे हैं, मुद्दा ये जो है हम पहली बार सुन रहे हैं आज तक हम वीडियो पर आ रहे, सुनने के लिए मिला, हमारे साथ भी ऐसा नहीं हो रहा है लेकिन इनके साथ हो रहा है। तो इनका कहना ये है कि जो नए लोग हैं, 6 महीना से पहले वाला लोग है, जो लोग ले रहे हैं एम पॉकेट से, उनके साथ हो रहा है ये, एम पॉकेट कर रहा है। एम पॉकेट बताइए क्या सही कर रहा है कि क्या गलत कर रहा है? अब लोग इसमें क्या है कि हम वीडियो बनाते हैं तो लोग बोलते हैं कि भाई लोन लिए हो तो देना नहीं है, तो भाई मांगने का एक तरीका होता, आपको बता देना चाहता हूं ये क्या है। अब ये बेवकूफी कारण, ये पैसा 4,000-5,000 निकालने कारण सुसाइड लोग कर सकते हैं इसके चक्कर में। कितना स्टूडेंट कर रहा है एम पॉकेट से? कौन लोग लोन लेते हैं? स्टूडेंट सबसे ज्यादा लेता है सब, जो 19 साल 20 साल का है, जो कॉलेज में पढ़ता है सब। पैसा घट गया लोन ले लिया, पिज्जा खाना है लोन ले लिया, घूमना है लोन ले लिया, गर्लफ्रेंड को घुमाना है लोन ले लिया, यही ना होता है सबसे ज्यादा? तो यही होता है। इसी कारण लोन लेकर मतलब कि ये सब काम लोग करते हैं। पैसा कैसे घटता है? अब जाकर आतिशबाजी कीजिएगा तो पैसा नहीं घटेगा। मान लीजिए आपका मिला है इतना का इतना, इतना ही पैसा आपको मिला है, घूमने लगे गया, छोड़िए इस पर चर्चा नहीं करेंगे, आपका मर्जी है क्या करे क्या नहीं करे, लेकिन इसके चक्कर में लोग काफी लोग सुसाइड कर रहे हैं, आपको बता देना चाहता हूँ। यही अपने यूट्यूब के माध्यम से हम आवाज उठाते हैं, हम इसीलिए लोगों का बात अपने यूट्यूब चैनल पर रखते हैं, दोनों चैनल पर, जीपर न्यूज पर, टेक्निकल जीपर, दोनों चैनल पर रखते हैं कि ऐसा ऐसा एप्लीकेशन को खत्म करना चाहिए, आरबीआई को संज्ञान लेना चाहिए, ऐसे एप्लीकेशन को बंद करना चाहिए, जैसे धानी एप्लीकेशन बैन हुआ वैसे इसको भी बैन करना चाहिए। बुरा दिन इसका आ गया है, अब हमको लग रहा है ये तो लड़की सबको काफी, दो लोगों लड़की के यहाँ पर सुनने के लिए मिला कि रिपेमेंट करने के बाद भी 6 महीने के बाद बोल रहा है ना कि पैसा ही नहीं है आपके तरफ से, एप्लीकेशन में सो ये नहीं हो रहा है कि आप पेमेंट किए। एक का क्या हुआ कि मतलब रिकवरी एजेंट आ गया था, पैसा देने के बाद भी रिकवरी, छत्तीसगढ़ का था, घर पर आगे रिकवरी एजेंट दिखाए, अपना नेट बैंकिंग दिखाए, यहाँ पर हिस्ट्री दिखाए कि पासबुक चेक वो सब दिखाए, पासबुक बोल रहे अपना जो यहाँ पासबुक दिखाए, अपडेट करा कर दिखाए कि देखिए हम इतना तारीख को रिपेमेंट किए, अब मानिए पासबुक है, ये है, पेटीएम है, सब चीज है, सब चीज में शो कर रहा है, तो सॉरी वोरी बोलकर गया सब, गलती हो गया है, हमको नहीं पता था कि बताइए ऐसा एप्लीकेशन क्या कर रहा है, सॉरी वोरी बोल के माफी भी मांग के गया सब, रिकवरी एजेंट बढ़िया था। तो देखिए अब क्या कर रहा है, देख रहे हैं ना, लोकेशन हैक कर ले रहा है, पूरा मोबाइल का सिस्टम अंदर का मिला हुआ है सब, मिला हुआ है सब, यहाँ पर इसका ऊपर तक है, आपको बता देना चाहते हैं। लोग सोचते हैं कि हम साइबर को हम मैसेज करेंगे, साइबर में मेल करेंगे, साइबर में रिपोर्ट करेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, साइबर सुनेंगे कि हमारा ये कर रहा है वो कर रहा है, इलीगल काम कर रहा है, साइबर मिल गया तब क्या करेंगे? ट्विटर पर पोस्ट कीजिए, हमको भी टैग कर दीजिए, आरबीआई को, साइबर को भी पोस्ट कीजिए और लिखिए कैसा ऐसा काम हो रहा है आजकल ट्विटर पर, इंस्टाग्राम थ्रेड पर, और हमारा व्हाट्सएप चैनल को जरूर से जाकर ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, 100% आपको रिप्लाई मिलेगा। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए, जो रिलेटेड था वही रिलेटेड हम दिखाने काम किए अपने चैनल से, कोई फेक खबर नहीं दिखाते हैं, कोई फेक बात नहीं दिखाते हैं। जो लोग हमारे इंस्टाग्राम पर आते हैं अभी दिखा देना चाहते हैं आपको, आपके विश्वास के लिए अभी दिखा देना चाहते हैं यहाँ पर। देखिए 6 महीने 6 मिनट पहले ही बात हुआ है इनसे
देख रहे हैं चार्ट, देखिए यहाँ पर 6 मिनट पहले ही बात हुआ है। काफी लोग हैं, समझ गए, काफी लोग यहाँ पर मैसेज करते हैं, काफी लोग सबसे बात विचार यहाँ पर होती है और सबके पास हम ट्राई करने वाले हैं और धीरे धीरे बात विचार यहाँ पर करने वाले हैं। तो ऐसे ही बात विचार करते हैं और जो भी जानकारी है शेयर करने के काम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल से, ताकि आपको ना लगे कि हम अपने आप से रोज बना बना करके आप बोल रहे हैं। भाई लोग बोल रहे हैं सोल्यूशन देते हैं लाइव, वही ना बात हुआ, वही तो बात हुआ जो आरबीआई गाइडलाइन हम डायरेक्टली देते हैं, आपको भी तसल्ली हो जाना चाहिए। बात करते हैं बढ़िया लगता है, उनको भी बढ़िया लगता है भाई, चलो ठीक है। तो ऐसा काम कर रहे हैं, जरूर आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए, चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए, आपका आवाज अपने चैनल के द्वारा हम उठाने का काम करते हैं। तो आपका हक बनता है कि हमको सपोर्ट करना, तो सपोर्ट आप लोग कीजिए। सपोर्ट करने का मतलब ये है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम किसी से पैसा वैसा मांगते नहीं है, बस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है, शेयर कर देना, ऐसे ऐसे वीडियो जरूर शेयर करना चाहिए, आपको बता देना चाहते हैं लास्ट में, क्योंकि बहुत गंभीर यह मुद्दा है। काफी लोग सुसाइड करते हैं, कोई बताएगा नहीं, अब कौन बताएगा, बताएगा कि हम लोन लिए हैं, वो बताएगा कि हम लोन लिए हैं, हंसेगा कि नहीं हंसेगा, लोन लेकर गर्लफ्रेंड घुमाता है, लोन लेकर पिज्जा खाता है, कोई भी हंसेगा भाई, कोई भी हंसेगा। तो इसीलिए आप हमको सपोर्ट कीजिए, आपका हम आवाज उठाएंगे, हम नाम हम नहीं ना बताते हैं कि आप ये बोल रहे हैं यहाँ से, क्या दिक्कत, लोग अपने आप से बोलते हैं तो बोलते हैं, हम किसी से पूछने नहीं जाते हैं। चलिए कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन लेने वाली है पर बात नहीं है, बस आपको सपोर्ट करना है, शेयर करना है दबाकर। तब तक ही ना दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही। जय हिंद जय भारत। इंस्टाग्राम पर जरूर मैसेज कर दीजिए।